Hello friends, this is Sangam Puri and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Vigilac Rich Capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Vigilac Rich Capsule। फ्रेंड्स, Vigilac Rich Capsule एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रचलित कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल हमारे स्टमक को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है। कि इस कैप्सूल का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है उसको हेल्दी रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रोबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने स्टम का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोबायोटिक। डियर व्यूअर्स, प्रोबायोटिक कहने का मेरा अर्थ होता है कि कोई भी वैसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जीवित सूक्ष्म जीव, मतलब एक तरह से समझिए कि जीवित सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया कह लीजिए, जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता हो, हेल्दी रखता हो, ठीक है, तो वैसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा सिंपल शब्दों में ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैसा जीवित सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया कह लो जो हमारे स्टमक को हेल्दी रखने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रोबायोटिक्स कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वाले तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ये जो मेडिसिन है किस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स होते हैं। कितने? 10 कैप्सूल्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 130 रुपये से लेकर 140 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स होते हैं और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस कैप्सूल या इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो Vigilac Rich मेडिसिन है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर वन है प्रीबायोटिक। क्या? प्रीबायोटिक। नंबर वन है प्रीबायोटिक। सेकेंड है प्रोबायोटिक। क्या? प्रोबायोटिक। और थर्ड है इम्यूनोबायोटिक। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे स्टमक को हेल्दी रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी इसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और इम्यूनोबायोटिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर जो होते हैं कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कब इसको लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन इसका इस्तेमाल है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक डायरिया। कि अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर, कि अगर उसको डायरिया हो गया, उसका स्टूल पानी की तरह पतला हो, वो एक्सट्रीम लेवल पे हो या थोड़ा सा हुआ, हल्का सा हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक। इसका इस्तेमाल कभी कभी डायरिया जो होता है वो डॉक्टर द्वारा अगर एक्सेसिव एंटीबायोटिक कोई ले रहा है, ठीक है, कि कोई एंटीबायोटिक जो चल रहा है जैसे क्लाबम 625 हो गया या मोनोसेफो 200 हो गया, सीफीओ 200 हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक जो लंबे समय तक चल रहा है और उसके कारण अगर डायरिया हो, तो उसको ठीक करने के लिए, स्टमक हेल्दी करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, कि अगर बहुत ज़्यादा गैस भी बन रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस। कोलाइटिस कहने का अर्थ है कि अगर आंत में आपको किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या किसी आंत में स्पाज्म हो गया हो, आंत में किसी प्रकार का दिक्कत हो, तो इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का दिक्कत हो, थोड़ा बहुत उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ IBS। IBS कहने का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक
पेट से ही जुड़ा हुआ सिम्टम है, ठीक है, कि आपका जो पेट है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है, बार बार गर 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 की आवाज़ सुनाई देती रहे, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एस्टोमेटाइटिस, एस्टोमेटाइटिस कहने का मतलब होता है कि आपका जो ये मुख होता है इसके अंदर देखते कहीं कहीं छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, माउथ अल्सर जिसको लोग बोलते हैं उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर सही ढंग से समझा जाए, अगर अच्छे तरीके से लॉजिकली अगर जाया जाए, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हमारा जो स्टोमक है उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको बढ़िया रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए इसको जरा मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इसका बेसिकली मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, और हाँ एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, इसका इस्तेमाल कभी कभी अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, कि फ्रेंड्स इट री स्टोर्स या दिस मेडिसिन या दिस कैप्सूल री स्टोर्स गट फ्लोरा इन आर स्टोमक, कि हमारा जो स्टोमक होता है उसमें गट फ्लोरा नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि हमारे स्टमक को क्या करता है, हेल्दी रखने का काम, तो उसको ये क्या करता है, रीस्टोर करता है, उसको पुनः वापस लाने का काम करता है, उसको बढ़िया करने का काम करता है। जरा इस पर थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। बैड बैक्टीरिया होते जो हमारे स्टमक को क्या पहुँचाते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो हमारे स्टमक को क्या करते हैं, हेल्दी करके रखते हैं, क्या बढ़िया करके रखते हैं, स्वस्थ करके रखते हैं। जैसे बैक्टीरिया दो तरह के सब होते हैं समझे, एक तरफ गुड बैक्टीरिया समझो बैड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाएगा और गुड बैक्टीरिया हमारे स्टमक को क्या बढ़िया करके रखेगा, ठीक है। जैसे आप दही खाते हैं, दही में भी बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या होता है हमारे पेट के लिए क्या होता है, हेल्दी होता है, वो हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक। उसी प्रकार से हमारा जो एब्डोमेन है उसके अंदर जो गट फ्लोरा होता है वो हमारे स्टमक को क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है, तो उसको ये रीस्टोर करने का काम करेगा। और इसका आप इस मेडिसिन का जब बॉक्स आप खरीदेंगे तो जो भी लाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है वो सब दिया रहेगा साइड में, ठीक है, कि इतना 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 मिलियन, इतना मिलियन ये पाया था, इतना मिलियन ये पाया था, और वो सारे बेनिफिशियल होते हैं हमारे स्टमक को हेल्दी रखने, वो सारे जो लाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्टमक को क्या करते हैं, हेल्दी रखने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन में आपको मैंने थोड़ा डीप एनालिसिस करके बता दिया कि क्या होता है बेसिकली ये गट फ्लोरा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया, इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है, इस बात को आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्रा इंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, हालांकि प्रेग्नेंट लेडी में ये सेफ माना जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस्तेमाल करें तो गायनी से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए, उसको बात ही दीजिए। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट के आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसमें बिना डॉक्टर से मिले या कंसल्ट किए आप इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर ना करें, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे सुटेबल डोज क्या होता है या देना है या नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं, इसके चार ही कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, इस तरह का कोई भी कंट्रा इंडिकेशन वाले हिस्ट्री उसको आप एडमिनिस्टर ना करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि कंट्रा इंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स सर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर वन है नौजिया, आपका जी में चलाएगा। फिर कहते हैं ब्लॉटिंग, आपको लगे सीने पर कुछ चरा हुआ है, जिसको ढेकार लोग बोलते हैं, ठीक है, गैस टाइप का ब्लॉटिंग, आपको सीने पर लगे कुछ चरा हुआ है। फिर कहते हैं बीटर टेस्ट, कि अगर कोई चीज खाएंगे ना तो उस समय थोड़ा तीखा तीखा टेस्ट लगेगा। फिर कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। फिर कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, हो सकता है कि आपकी भूख की जो खाने की जो क्षमता है भूख लगने की उसमें कमी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे सर इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके जब हो सके दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे या वाई को सीधा सिंपल वाई को दे देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो इसका जो डोज है डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं देते हैं, यहाँ जनरली जो चलता है मैं उस बारे में, वो डोज फ्रेंड्स
दो चिता वन इंटू बी डी आप दे सकते हो, वन इंटू बी डी सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ अगर ज़्यादा नहीं परेशानी नहीं रहता आप वन इंटू ओ डी भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आए कैसे इसको देना है, वन इंटू बी डी या ओ डी भी आप चला सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कंडीशन पर कितना ज़्यादा तबीयत गर्व है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि वाई जी लैक्रिच कैप्सूल क्या होता है, कौन से कंपनीज को मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं next video में। तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। Thank you. धन्यवाद।